प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 400 वॉलंटियर अपनी सेवाएं देंगे। कॉलेज के छात्र वॉलंटियर के रूप में विमानतल, होटल और कार्यक्रम स्थल पर मेहमानों की मदद के लिए उपलब्ध होंगे। इन छात्रों को पिछले 2 दिनों में ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्रालय, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी तो मौजूद रहेंगे ही, सैकड़ों छात्र भी इस दौरान सम्मेलन में आने वाले मेहमानों की मदद के लिए उपलब्ध होंगे। दरअसल विमानतल, होटल और कार्यक्रम स्थल पर हेल्प डेस्क बनाई जा रही है, जहां मेहमानों की मदद के लिए यह छात्र अपनी सेवाएं वॉलंटियर के रूप में देंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 400 वॉलंटियर लगाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ छात्र पूर्व की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की नोडल अधिकारी निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सभी वॉलंटियर विमानतल, होटल और प्रदर्शनी स्थल पर आगंतुकों की मदद के लिए उपलब्ध होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस में कुछ वॉलंटियर्स हम लोग जरूर आमंत्रित कर रहे हैं। इन वॉलंटियर्स का ज़्यादा उपयोग जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का हेल्प डेस्क, होटल के हेल्प डेस्क, इन जगहों पर लिया जाएगा। साथ ही साथ एग्जीबिशन एरिया में भी ये हेल्प करेंगे, क्योंकि इंदौर में लगातार GIS होती रही है तो लोगों को ये आइडिया है। कई सारे बच्चों ने कई बार वॉलंटियर का काम किया है, तो इस तरीके से सिटी का पार्टिसिपेशन भी इंश्योर होता है। एयरपोर्ट को लेकर के अंदर की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। अंदर कुछ हम लोग नए लाउंज भी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ब्यूटिफिकेशन के काम चल रहे हैं, ब्रांडिंग के काम चल रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर की सड़क है, उसका भी काम लगातार तेज़ी से चल रहा है। वो कल शाम तक फिनिश होकर के वहाँ धुलाई कंप्लीट हो जाएगी। आज तेज़ी से वहाँ पर टीम ने काम किया है, तो कुल मिलाकर के कल का दिन हम लोगों ने अपने लिए डेडलाइन रखा है, ताकि जिस दिन सभी काम कंप्लीट हो जाए। पिछले 2 दिनों से कॉलेज के इन छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हेल्प डेस्क पर मेहमानों की आवभगत कैसे की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।